हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं खीरे का रायता, जो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी बनने वाला है। ये शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 मीडियम साइज के खीरे, जिसे मैंने छील के धुल लिया है। अब हम इसे ग्रेट करने जा रहे हैं। अब हम इसे यहाँ पे कद्दूकस कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ हमने खीरे को ग्रेट कर लिया है। हमने यहाँ पे एक पैन में तेल डाल लिया है और उसे अब हम गर्म होने दे रहे हैं। अब मैं इसमें डाल दूं जीरा। अब मैं इसमें मिला रही हूँ राई। मैं इसमें डाल रही हूँ अब हींग, एक सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब हम इसको अपनी दही में है डाल लेंगे। हमने जो खीरे को कद्दूकस कर लिया था, हम उसे इस दही में मिला देंगे। ये देखिए, मैंने दही में खीरे को डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार काला नमक। अब हम नमक को रायते में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमारा रायता बनके तैयार है। ये बहुत ही ज्यादा लाजवाब और बहुत टेस्टी बना है। इसमें बहुत ही प्यारा कलर भी आ चुका है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। ये गर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। ये शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।